तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रहा था हमारा ना। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हमने एंजाइम्स पढ़ लिए थे ना सारे, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या काम करेंगे हमने जान लिया था ना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और टर्म्स की ना, कुछ दो चार टर्म्स हैं, उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तकरीबन खत्म हो जाएगा ना। ओरी, पहले टर्म आता है ओरी, ओ आर आई, ओरी क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन करने का ऑरिजिन कहां पर है ना। जैसे डीएनए अगर है तो कुछ इस तरह से डीएनए होता है जैसे अगर बैक्टीरिया का डीएनए देखो प्रोकैरियोट्स का, कुछ ऐसा होता है प्रोकैरियोट्स का डीएनए, है ना। तो वहां पर भी क्या होगा, एक ऐसा नहीं कि भैया रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो कोई एक स्पेसिफिक जगह होगी है ना कि भैया यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना। कोई खास जगह होगी, चाहे वो यहां पर हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, है ना। तो एक खास जगह होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो जगह जहां पर, जैसे हमारा डीएनए कैसा होता है, स्टेट ऐसा होता है, यूकेरियोट्स का, यूकेरियोट्स का डीएनए ऐसा होता है ना। तो यहां पर भी क्या होगी, कुछ खास जगह होगी, भैया यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना, या यहां से स्टार्ट होगा, यहां से भी होगा, है ना। तो रेप्लिकेशन की कुछ खास जगह होती है कि भैया यहां से ये जगह है ओरी, यानी कि यहां से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा, है ना, रेप्लिकेशन यहां से होना शुरू होगा, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक जगह पर ओरी होता है ना, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यहां होगा, है ना, एक ही जगह होगा सिर्फ, है ना। तो देयर इज सिंगल ओरी, यानी कि रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होगा, है ना, सारी जगह से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इन यूकेरियोट्स देयर इज मल्टीपल ओरी, है ना। तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल ओरी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ना। तो कई ओरी हो सकते हैं, कई सारे ओरी हो सकते हैं। वजह यह है क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होगा उसकी लेंथ कम होती है, छोटा डीएनए होता है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम होती है वहां पर प्रोकैरियोट्स में, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, ओरी एक ही होता है ना। लेकिन यूकेरियोट्स का डीएनए बहुत बड़ा होता है ना, अगर सिंगल ओरी होगा तो अगर एक ही ओरी होगा तो रेप्लिकेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यहां से भी स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, यहां से भी स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, यहां से भी स्टार्ट होगा, यहां से भी स्टार्ट होगा, यहां से भी स्टार्ट होगा, तो जल्दी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा होता है यूकेरियोट्स का, इसलिए यहां पर मल्टीपल ओरी मिल रहा है और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरी मिल रहा है ना। तो एक और टर्म आता है जिसका नाम है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन बोलते हैं रेप्लिकेशन का सिंगल यूनिट को, है ना, यानी कि यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एक यूनिट को बोलते हैं रेप्लिकॉन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन नोन एज रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन यूकेरियोट्स में भी होगा और प्रोकैरियोट्स में भी होगा, जैसे कि सिंगल ओरी मिल रहा था प्रोकैरियोट में, और तो रेप्लिकॉन में कितना मिल रहा है, सिंगल ही मिल रहा है, सिंगल ओरी मिल रहा था तो रेप्लिकॉन भी, यानी कि जो डीएनए में जो रेप्लिकेशन की यूनिट होगी, है ना, वो कितनी होगी, सिंगल होगी, है ना, यानी कि एक ही यूनिट होगी प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकेरियोट्स में ओआरआई बहुत सारे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई सारे, है ना, तो यूनिट्स भी क्या होंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो भी कई सारे यूनिट्स में होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल रेप्लिकॉन होंगे, क्या होंगे, मल्टीपल रेप्लिकॉन यूकेरियोट्स में, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन यूनिट्स में होगा, अलग अलग यूनिट्स में होगा, क्योंकि ओरी बहुत सारे हैं। स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए में फास्ट, यूकेरियोट्स में फास्ट होगा या फिर प्रोकैरियोट्स में, तो आंसर है प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फास्टर होता है, तो फास्टर होगा इन प्रोकैरियोट्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फास्टर इन प्रोकैरियोट्स। हाँ जी, तो देखो बात करते हैं हम स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन की, है ना, रेप्लिकेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि भैया डीएनए को खोलो, है ना, डीएनए में अगर कोई कॉइलिंग वगैरह है, अगर कोई सुपर कॉइलिंग है या पर टेंशन है तो उसको रिलीज कर लो, पहला काम। उसके बाद डीएनए को खुल जाएगा थोड़ा सा, है ना, उसके बाद बीच वाले जो बॉन्ड होंगे उनको निकाल दो ताकि दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो पहला काम होगा अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, है ना, दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को अनवाइंड कर देना, है ना, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड कर देना, है ना। तो पहले अगर इसमें कोई टेंशन है, अगर डीएनए में कोई टेंशन है या फिर उसमें सुपर कॉइलिंग है तो उसको रिमूव करने के लिए ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन होगा भाई, टोपो आइसोमरेज, याद आ रहे कुछ, है ना, पढ़ चुके हम। तो अगर सुपर कॉइलिंग वगैरह है या फिर टेंशन है तो टोपो आइसोमरेज वन उसको रिलीज कर देगा। उसके बाद ये बीच में बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए कौन आएगा हेलिकेज, है ना, यानी कि दो एंजाइम होंगे जो काम करेंगे अनबाइंडिंग करने में, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनबाइंडिंग करने के लिए दो एंजाइम काम करेंगे, टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज। तो पहला स्टेप अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
पहले काम करेगा टोपोइसोमेरेज, फिर करेगा हेलिकेज, है ना, पहले स्टेप में। अगला स्टेप वर्क करते हैं, हाँ जी, तो देखो मैंने लिख दिया है ना, तो अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टोपोइसोमेरेज एंड हेलिकेज, ये दोनों काम करेंगे, है ना, कैसे करेंगे मैंने बताया था, है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्या होगा, फिर जब ये अनवाइंडिंग हो गया है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, है ना, क्या होगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, मान लो ये डीएनए हमारा अनवाइंड हो गया इस तरह से, क्या होगा, जब ये अनवाइंड हो गया तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, प्राइमर बनेगा, आरएनए बनेगा, पहले डीएनए नहीं बनेगा, है ना, आरएनए बनेगा। मैंने याद है आपको, मैंने बताया था आपको कि डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, लेकिन वो ऐसा बच्चा जो पहला अल्फाज भूल जाता है ना, तो वो बोलेगा स्टार्ट कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं, है ना, तो उसको बोलेगा, फिर एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, वो बोलेगा मैं करता हूं स्टार्ट, तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूं स्टार्ट, उसके बाद तुम कंटिन्यू करना, है ना। तो स्टार्ट कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरेज, तो आरएनए बनेगा और आरएनए की चेन को क्या बोलेंगे, प्राइमर बोलेंगे, है ना। तो पहले छोटी सी चेन किसकी बनेगी, किसकी बनेगी, आरएनए की बनेगी, है ना, ये आरएनए है, आरएनए की छोटी चेन है ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं, छोटी चेन को प्राइमर, क्या बोलते हैं, प्राइमर, आरएनए की छोटी चेन को क्या बोलते हैं, प्राइमर, आरएनए की, है ना, छोटी चेन को बोलते हैं प्राइमर, और बनाएगा कौन, एंजाइम प्राइमेज, है ना। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो बेस पेयरिंग करेगा, है ना, बेसिस की पेयरिंग करेगा, ना, और यहां पर ए होगा तो टी लगा लगा देगा, है ना, यहां पर सी होगा तो जी लगा देगा, यहां पर अगर जी होगा तो सी लगा देगा, यहां टी होगा तो ए लगा देगा, है ना। इस तरह की चीज करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, क्या करेगा, बेस पेयरिंग, हाँ जी। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बेस पेयरिंग होगी, है ना, बेस पेयरिंग कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज बाई डीएनए पॉलीमरेज। तो ये दो स्टैंड ऐसे करके अलग किसने करे थे, भैया ट्रोपोइसोमेरेज और हेलिकेज ने किए थे, है ना, अलग कर दिया था, कॉइलिंग किसने निकाली थी, ट्रोपोइसोमेरेज ने, है ना, और अलग किसने कर दिया था, हेलिकेज ने, हेलिकेज ने हाइड्रेट बॉन्ड तोड़ दिए थे, फिर एक प्राइमर भी बन गया था, क्या बन गया था, प्राइमर, यहां पर क्या बन जाएगा, एक छोटी सी, छोटा सा आरएनए बनेगा ना, छोटा सा आरएनए, इसको बोलते हैं प्राइमर, है ना। उसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसका मेन काम होगा, है ना, और डीएनए पॉलीमरेज यहां पर अटैच हो जाएगा और वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को लगाता रहेगा, है ना, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स लगाता रहेगा, है ना, और क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी इस तरह से, है ना, एक डीएनए इधर की तरफ से तैयार हो जाएगा और दूसरा डीएनए इधर की तरफ से तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना, तो एक डीएनए से दो डीएनए इस तरह से बन जाएगी, है ना, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। अच्छा, एक और चीज जो मैंने इस तरह का बनाया था ना, इस तरह का डीएनए पूरा एक साथ अनवाइंड नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं पूरा डीएनए एक साथ खुल जाएगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा खुलता है, तो मैंने इस तरह से बनाया था, है ना, इस तरह से बनाया था ना, है ना, यानी कि अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन खुला है ना, फिर आगे वाला पोर्शन खुलता जाएगा और डीएनए पॉलीमराइज करता जाएगा, है ना। तो ये जो खुला है ना इस तरह का, तो इसको बोलते हैं कांटा, कांटे जैसा लगा ना, तो इसको बोलते हैं फोक, है ना, इस चीज को बोलते हैं फोक, है ना। तो जगह जगह से खुलेगा और वहां पर डीएनए बनता जाएगा और पीछे का भी खुलता जाएगा, है ना, यहां पर डीएनए बनेगा, ये वाला खुल जाएगा, फिर डीएनए बनेगा यहां पर, और फिर आगे वाला खुल जाएगा, फिर आगे वाला खुल जाएगा, फिर आगे वाला खुल जाएगा, और डीएनए उसी तरह से बनता जाएगा, ट्रोपोइसोमेरेज हेलिकेज काम करेगा, फिर प्राइमेज काम करेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, है ना।